नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। सदियों से चावल भारतीय लोगों की पहली पसंद है। यह किफायती होने के साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है। आमतौर पर लोग सफेद चावल ही खाते हैं, लेकिन यह ब्लैक, ब्राउन, बैम्बू ग्रीन, यहाँ तक कि पिंक जैसी कई अलग अलग किस्मों में आता है। इसलिए यह जानना बेहद मुश्किल है कि हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्राउन राइस सफेद राइस की तुलना में स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है। ब्राउन राइस साबुत अनाज है और सफेद चावल बाहरी चोकर परत को हटाने का परिणाम है। दरअसल सफेद चावल के लिए चोकर की जो परत हटाई जाती है उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ब्राउन राइस खाना पसंद करते हैं, लेकिन साइंस ने इसके सेवन से होने वाले एक बड़े दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को अवगत कराया है। ब्राउन राइस खाने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इसमें फाइटिक एसिड नामक एंटी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट एक यौगिक है जो कई अलग अलग पौधों के उत्पादों में पाया जाता है। यह हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने से भी रोक सकता है। फाइटेट या फाइटिक एसिड एक सामान्य पोषक तत्व है जो फलियां, नट, बीज और साबुत अनाज में पाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भोजन में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर के मिनरल्स, विशेष रूप से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण को सीमित कर देता है, जिससे पोषक तत्वों के लाभ आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। भले ही आप इन मिनरल से भरपूर ब्राउन राइस का सेवन कर रहे हों, लेकिन अगर आप किसी अन्य भोजन के जरिए भी पोषक तत्व खा रहे हैं तो फाइटिक एसिड इन पोषक तत्वों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। खाद्य विज्ञान और सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राउन राइस को पचाना सफ़ेद चावल की तुलना में कठिन है, लेकिन इसके फाइटिक एसिड सामग्री के प्रभाव को कुछ कम करने के तरीके हैं। ब्राउन राइस सेहतमंद है, लेकिन इसमें मौजूद फाइटिक एसिड शरीर में पोषक तत्वों की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इस बड़ी वजह से यह ब्राउन राइस कभी कभी अच्छा विकल्प नहीं होता, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये सफ़ेद चावल से ज़्यादा फायदेमंद है।